आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए तो मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि बसंत पंचमी आ रही है और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या जॉब के लिए स्टूडेंट सब है उनके लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय लाई हूँ। और क्योंकि पूजा आने ही वाली है तो आप सब तैयार रहें इन उपायों को करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन उपाय को करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी सबको शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो, और अगर जॉब या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जॉब हो जाए। तो जिस दिन आप सरस्वती की पूजा करेंगे, और अगर ऐसे तो आप प्रतिदिन इस मंत्र को पढ़ने से पहले, जब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ने से पहले अगर आप 3 बार इस मंत्र को बोल देते हैं तो आप जो भी पढ़ते हैं आपके दिमाग में मतलब बहुत याददाश्त क्षमता आपकी मजबूत हो जाएगी, फिर जो भी आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, फिर एग्ज़ाम में फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सरस्वती पूजा जब आप करेंगे बसंत पंचमी के दिन, उस दिन भी जब पूजन करें तो ये मंत्र अवश्य बोलें। मंत्र क्या है? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सर्ता। फिर से एक बार मंत्र अच्छे से सुन लें और कॉपी में लिख लें, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगी नीचे में ताकि आप अच्छे से उस मंत्र को पढ़ लें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मतलब हे माँ सरस्वती, बिना पानी मैं विद्या आरंभ कर रही हूँ, आप आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। और जब माँ सरस्वती आशीर्वाद देंगी, क्योंकि भोलेनाथ ने माँ सरस्वती को अपने मंदिर के बाहर बिठाया है ताकि जिनकी भी मनोकामना जो भी इच्छाएं हैं उनको माँ सरस्वती समझ ले और भोलेनाथ को कह दे, तो जब आप अपनी गुहार माँ सरस्वती से लगाएंगे तो वो भोलेनाथ को ज़रूर बोलेंगे और आपकी जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों में पास हो जाएंगे। इसलिए ये उपाय आज से ही कर लें, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं एग्ज़ाम आने से पहले, तो ये उपाय को अवश्य करें, अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। तो ऐसे ही सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम।